हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल। आज बॉलीवुड गपशप में हम बात करेंगे बॉलीवुड की बार्बी डॉल की। जी हां, कैटरीना कैफ 16 जुलाई को अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैटरीना अपने पति और बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के साथ मालदीव पहुंच चुकी हैं, जहां पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का पूरा प्लान है। फैंस की निगाहें विकी कौशल और कैटरीना कैफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर टिकी हुई हैं कि कब बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें यहां देखने को मिलेंगी। खैर, फिलहाल तो कैटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका रैपर अवतार देखने को मिल रहा है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ की फिल्म फोन भूत जल्द रिलीज होने वाली है। ये वीडियो उन्हीं की इस फिल्म का बिहाइंड द सीन है। इस वीडियो को कैटरीना के को स्टार शान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही दोनों ही एक्टर ने कैटरीना कैफ के बर्थडे पर उन्हें विश किया। इस वीडियो में कैटरीना का अलग हटकर अवतार देखने को मिल रहा है। रैप करती कैटरीना अपने फैंस का दिल जीत रही है। बता दें कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। फिल्म में आपको भयंकर कॉमेडी देखने को मिलेगी, जैसा कि हाल ही में रिलीज हुई टीजर पोस्टर में देखने को मिला है। कैटरीना कैफ फोन भूत के अलावा फिल्म टाइगर 3 में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में सलमान खान संग उनकी जोड़ी देखने को मिलेगी। ये फिल्म एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है की फ्रेंचाइजी फिल्म है। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जून 1983 को हांगकांग में हुआ था। हांगकांग में पैदा हुई कैटरीना कुछ समय बाद ही चाइना शिफ्ट हो गई, जिसके बाद जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड जैसे कई देशों में रही। इस दौरान कुछ ऐसे देश भी रहे जहां वो कुछ महीनों के लिए ही रही। बार बार स्कूल चेंज करना मुमकिन ना होने की वजह से कैटरीना की अधिकतर पढ़ाई घर में हुई। कैटरीना ने 14 साल की उम्र में पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। जी हाँ, ये कॉन्टेस्ट हवाई में हुआ था, जिसके बाद उन्हें ज्वेलरी कैंपेन की तरफ से पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। फैशन शो में उनकी मुलाकात एक एशियन फ्रेंड से हुई, जिसने कैट को इंडिया घूमने की सलाह दी और फ्रेंड की सलाह पर वो पहली बार भारत आई। कैटरीना अब तक फैशन शोज में काफी एक्टिव रहने लगी थी। यहीं पर उनकी मुलाकात लंदन बेस्ड फिल्म मेकर केजाद गुस्ताद से हुई। उस समय केजाद फिल्म बूम पर काम कर रहे थे। इस फिल्म की कास्टिंग तो हो चुकी थी, पर शूटिंग शुरू होने से कुछ पहले ही मॉडल मेघना रेड्डी ने फिल्म करने से मना कर दिया, जिसके बाद केजाद की नजर कैटरीना पर पड़ी और कैटरीना को उन्होंने अपनी फिल्म में साइन कर लिया। बस फिर क्या था, कैटरीना की तो निकल पड़ी, कैटरीना की तो लॉटरी लग गई। कैटरीना की पहली फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ जैसे एक्ट्रेस के साथ थी, पर इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म में कैटरीना की एक्टिंग और ब्रिटिश एक्सेंट की वजह से उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस फिल्म को करने के दौरान ही उन्हें फिल्म सारे प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कैटरीना ने इतने नेगेटिव रिस्पॉन्स के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया। तभी तो आज कैटरीना हर दिल पर राज करती हैं। 2004 में कैटरीना को फिल्म मल्लेश्वरी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से कैट ने खुद को साबित कर दिया। फिल्म सुपर हिट हुई। इस फिल्म में कैटरीना की एक्टिंग को भी सराहा गया। इस फिल्म के लिए कैट को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। कैटरीना की दूसरी फिल्म सुपरहिट होने के बाद उनके पास कई लोगों के ऑफर्स आए, कई फिल्मों के ऑफर्स आए। उन्होंने इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन स्टारर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार साइन की। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इसके बाद फिल्म मैंने प्यार क्यों किया 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में कैट के रोल को नोटिस किया गया और इस फिल्म को कैट की बॉलीवुड में रियल एंट्री माना गया है। इसके बाद कैटरीना के पास फिल्मों के कई ऑफर्स आने लगे। 2007 में कैटरीना को फिल्म नमस्ते लंदन से घर घर में पहचान मिली। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसी साल कैटरीना की लगातार 4 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। कैटरीना 2003 से सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके बाद 2009 में आई फिल्म अच्छा प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान वो रणबीर कपूर के करीब आ गई। दोनों का रिश्ता 6 सालों तक चला और दोनों की शादी की खबरें भी तूल पकड़ने लगी थी।
लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और 2016 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद 2021 में कैट विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों ने शादी को काफी प्राइवेट रखा, पर दोनों की शादी लाइमलाइट में रही। कटरीना ने अपने 19 सालों के करियर में राजनीति, एक था टाइगर, सरकार, नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में काम किया है। वो अब तक 42 फिल्मों में काम कर चुकी है। फिलहाल कैट, फोन भूत, मैरी क्रिसमस और टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी है।